हाय गाइस, इस सवाल को हम लोगों ने देखा पिछले ट्यूटोरियल में। आप मेरा पिछला ट्यूटोरियल देखिएगा, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। सो अभी हम लोग देखने वाले हैं कि सुपर का यूज़ हम लोग मेथड के साथ कैसे करते हैं। इसका जो सिंटैक्स है कुछ इस तरीके से, सुपर कीवर्ड लिखेंगे सभी स्मॉल लेटर में, डॉट मेथड का नाम आप लिखेंगे। ओके सो चलिए एग्जाम्पल में देखते हैं। ओके सो हम लोगों ने देखा पिछले ट्यूटोरियल में कि फादर क्लास से यानी कि सुपर क्लास से जो पुट मेथड इनहेरिट होकर यहाँ आता है, और यहाँ भी एक ऑलरेडी पुट मेथड अवेलेबल है यानी कि बनाया हुआ है हम लोगों ने। और जब हम लोग पुट मेथड को कॉल करते हैं तो ये सिर्फ सब क्लास के पुट मेथड को डिस्प्ले करता है और इस सुपर क्लास के पुट मेथड को ही हाइड कर देता है। तो इसको हम लोग कैसे सब क्लास में यूज़ कर सकते हैं, वही अभी हम लोग देखने वाले हैं। ओके सो इसको यूज़ करने के लिए सिंपली आप क्या कीजिए कि सुपर लिखिए डॉट पुट मेथड। जब आप इस तरीके से सुपर कीवर्ड के साथ पुट का यूज़ करते हैं तो ये समझता है कि इसके इमीडिएट सुपर क्लास के मेथड को यहाँ इन्वोक किया जा रहा है, ठीक है। यानी कि आपने सुपर के साथ लिखा हुआ है इस मेथड को, इसका मतलब ये है कि ये अपने सुपर क्लास वाले जस्ट इमीडिएट सुपर क्लास वाले मेथड को ये इन्वोक करेगा। जब आप इसको रन करेंगे तो आपको आउटपुट स्क्रीन पर सुपर क्लास का ए और सॉरी सुपर क्लास का ए और सब क्लास का बी दोनों ही दिखाई देगा। सुपर क्लास का ए आपको इस मेथड के थ्रू दिखाई दे रहा है, पुट जो सब क्लास का अपना मेथड है जो कि सब क्लास बी इक्वल आपको 200 दिखाई दे रहा है, ये मेथड कॉल होकर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। याद रखिएगा कि इस डिस्प मेथड को हम लोगों ने मेन मेथड में यहाँ कॉल किया तभी ये आ रहा है। ओके ये मैं आपको बार बार बताता नहीं हूँ, बट आई होप कि गाइज आप लोग इसको समझ पाएंगे, ठीक है। इससे कि मैंने क्या किया, मैंने सन क्लास जो है हमारा, इसका मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है और इस ऑब्जेक्ट के थ्रू मैंने इस डिस मेथड को कॉल किया। जब इस डिस मेथड को कॉल करते हैं तो ये एक मेथड भी कॉल होता है, ये मेथड कॉल होता है मतलब ये आपको आउटपुट को दिखाई देता है, और फिर ये मेथड कॉल होता है पुट जो कि सब क्लास का अपना मेथड है, सो ये आपको आउटपुट स्क्रीन पर ये दिखाई देता है, ठीक है। ओके सो इस तरीके से आप सुपर कीवर्ड का यूज़ करते हैं मेथड के साथ, तब जब आपको इमीडिएट सुपर क्लास के एक मेथड को कॉल करना हो। और ऐसा तभी करेंगे हम लोग जब हम लोग सुपर क्लास में मेथड का नाम और सब क्लास में मेथड का नाम सेम होता है। अदरवाइज हम लोग क्यों करेंगे सुपर कीवर्ड का यूज़, अगर दोनों का नाम सेम नहीं है तो उसको सुपर कीवर्ड का यूज़ करने की आवश्यकता नहीं है, चाहे वो वेरिएबल हो या फिर मेथड हो, हमें इसको सुपर कीवर्ड का यूज़ करने की आवश्यकता नहीं है अगर दोनों का नाम अलग अलग है। तो प्रॉब्लम तब होती है जब दोनों का नाम सेम हो जाता है, दोनों वेरिएबल का यानी कि सुपर क्लास के वेरिएबल का नाम और सब क्लास के वेरिएबल का नाम सेम है बट उसको हमने अलग अलग वैल्यू से इनिशियलाइज किया है, तब प्रॉब्लम होती है, तब हमें सुपर कीवर्ड का यूज़ करने की आवश्यकता पड़ती है। या फिर सुपर क्लास का मेथड और सब क्लास का मेथड दोनों का नाम सेम है और दोनों का हमने अलग अलग डेफिनेशन दिया हुआ है, अब तब आपको प्रॉब्लम होती है, तब आप सुपर कीवर्ड का यूज़ करके मेथड को कॉल कर सकते हैं, सुपर क्लास वाले मेथड को भी और सब क्लास वाले मेथड को भी। ओके सो सुपर क्लास वाले मेथड को कॉल करने के लिए आप सुपर कीवर्ड का यूज़ करेंगे, और सिंपली मेथड यानी कि सब क्लास के मेथड को कॉल करने के लिए सिंपली आप इस तरीके से उसको इन्वॉक कर सकते हैं। ओके देन थैंक्स फॉर वॉचिंग।